यहाँ से दार्जिलिंग 530 किलोमीटर दूर है। पानी में गाड़ी घुसा दिया और इतना ज्यादा पानी पड़ा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं गाड़ी का कितना ज्यादा पार्ट्स है यहाँ। देखिए मौसम कितना ही मस्त हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे है आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये ट्रक भी सामने आ गया है। फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ पानागढ़, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे है, और अभी मैंने ट्रिप अपना ज़ीरो कर लिया है यहाँ पे। मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूँगा कि मैं कितना किलोमीटर आज गाड़ी चलाया हूँ। तो ये मेरा फ्रेंड का ग्लैमर बाइक है, जो अभी एकदम नया नया है और चलाने में बहुत अच्छा फील आ रहा है। तो चलते हैं और आपसे बात करते करते हम लोग पानागढ़ भी पहुँच जाएँगे। पुलिस गाड़ी भी लगी हुई है यहाँ पे। फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा हवा तेज़ मार रहा है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं 25 किलोमीटर, और अभी देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर हो गया है मीटर में, या 25 किलोमीटर शो कर रहा है और 25 किलोमीटर और बाकी है अभी। तो बाइक तो अभी खींचते हुए लाया हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक। और बिहार में तो सब जगह लॉकडाउन हो गया है, लेकिन बंगाल के कुछ एरियाज़ में अभी खुला हुआ है और कुछ एरियाज़ लॉकडाउन हुआ है अभी। तो हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन अभी रास्ते में 2-3 एरियाज़ ऐसे पड़े जो लॉकडाउन था पूरे तरीके से। तो हम लोग तो जो जगह जा रहे हैं बस वहाँ से सामान लेके आना है, और पूरे प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं, मास्क वगैरह लिए हुए हैं। अभी तो मैं हेलमेट लगाया हुआ हूँ। और चलिए एंजॉय करिए राइड को, और बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ अभी पानागढ़, और आप लोगों को पता नहीं होगा कि पानागढ़ कौन सा जगह है, वहाँ किस चीज़ के लिए वो फेमस है। तो फ्रेंड्स पानागढ़ फेमस है कार्स के पार्ट्स के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, गाड़ियों की कटाई होती है। तो जो भी पुरानी ट्रक वगैरह कार वगैरह होते हैं वहाँ पर उसका कटाई होता है, पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में निकाल के बेचा जाता है। जिससे अगर ये गाड़ी का रेट बाई चांस अगर रेट है 50,000 रुपये, तो उसका जो पार्ट्स है वो पार्ट्स को निकाल निकाल के उससे ज़्यादा वो कमा लेगा, मतलब 70-80 हज़ार रुपये कमा लेगा उसके पार्ट्स से ही, मतलब एक गाड़ी को टुकड़ों में बांट करके। तो पानागढ़ इसी चीज़ के लिए फेमस है। तो पिछला वीडियो आप मेरा देखे होंगे कि मेरा फ्रेंड ने अपना कार को सेल किया है, कार का जो डीजल फिल्टर है वो पता नहीं क्यों लीक कर रहा है। इसी गाड़ी का जो डीजल फिल्टर है वही हम लोग लेने जा रहे हैं पानागढ़, और देखते हैं कि क्या प्राइस में मिलता है। और वहाँ का पानागढ़ मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो देखता हूँ अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ आप लोगों को दिखाने लायक होती है तो मैं उससे ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा अपने कैमरे में और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये है जंक्शन मॉल, और ये अभी लग रहा है कि पूरा खाली है, बहुत कम गाड़ी वाड़ी लगे हुए हैं यहाँ पर। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए हैं दुर्गापुर। तो फ्रेंड्स ये वाला जो गाड़ी देख रहे हैं ये वाला पकड़ा गया है, और अब इसका चालान कटने वाला है, पता नहीं क्या गलती किया वो। बंगाल का तो ऐसे भी सारा रूल रेगुलेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ट्रैफिक को लेकर के। यहाँ से दार्जिलिंग 530 किलोमीटर दूर है। मेरे को बहुत मन करता है कि बाइक से लॉन्ग लॉन्ग टूर मारूँ, मेरे को बाइक चलाना लॉन्ग टूर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी अपने बाइक से कभी लंबे लंबे टूर मारेंगे हम लोग, और वैसे भी हमारा लाइसेंस बन गया है तो अब हम कहीं भी जा सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा डर होता था बाइक लेके चलने में कि शायद चेक इन हो सकता है या नहीं भी, और अभी बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है। मेरा गाड़ी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी कम से कम 100 की स्पीड पर है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं मेरा आवाज़ अब किस तक जाता होगा या नहीं। तो और 15-17 किलोमीटर और है, तो हम लोग चलते हैं। मौसम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है, और हो सके तो आगे बारिश भी हो सकती है। तो इधर तो तेज़ हवाएं भी चल रही है। जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाता है हमारे बॉडी में एड्रेनलिन की फ्लो भी बढ़ता जाता है, हम लोग और ज़्यादा तेज़ बोलने लग जाते हैं। तो ये चीज़ को एक मोटर ब्लॉगर को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि गाड़ी कितनी भी स्पीड में चल रही है लेकिन ध्यान रोड पे होना चाहिए, और बात जिस मैटर पे बात कर रहे हैं वो बात भी आप अच्छे से कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लगभग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है कि मैं बाइक अभी 100 की स्पीड में चल रहा है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आराम से बात कर सक रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिस किया है। तो अगर जो भी लोग नए अभी गाड़ी ऐसे चलाते हैं और बातें करते हैं तो ऐसा ना करें, पहले प्रैक्टिस की सब चीज़ में थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो आप देख सकते हैं कोलकाता भी 174 किलोमीटर है। चलो
तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए पानागढ़ और आप देख सकते हैं कि कितना सारा गाड़ियों का पार्ट्स रखा हुआ है, इंजन वगैरह। तो आपको देख कर समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे एरिया में आए हैं। यहाँ सिर्फ गाड़ियों का पार्ट्स मिलता है, यहाँ गाड़ियों का एकदम पीस पीस कर दिया जाता है। कहाँ पे? यहाँ गाड़ियों का एकदम पीस पीस कर दिया जाता है, जो भी गाड़ी का पार्ट्स खोजिएगा जो भी गाड़ी का यहाँ मिल सकता है एकदम इजी तरीके से। ट्रक का, बाइक का, कार का, जो भी मॉडल कार का खोजिएगा यहाँ मिल जाएगा इजी एकदम। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं, 51.9 किलोमीटर हम लोग चलाएँ गाड़ी, तो अनुमान मेरा सही था 50 किलोमीटर होगा, 51 किलोमीटर रहा। इसका हैंडल लॉक क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं गाड़ी का कितना ज़्यादा पार्ट्स है यहाँ। बाप रे बाप। गाड़ियाँ हैं और ट्रक वगैरह खड़ा है, तो मास्क पहले उतार लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा रास्ते में कितना सारा गाड़ियों का इंजन वगैरह पार्ट्स बॉडी वगैरह सब पड़ा हुआ था। तो यहाँ पूरा गाड़ियों का खजाना है, यहाँ जो गाड़ी का पार्ट्स पहुँचेगा वो गाड़ी का पार्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक और स्टेबलेट बेल्ट लगा हुआ है, जो मेरे फ्रेंड को जो चाहिए उसका पार्ट्स तो यहीं से मिलेगा, वो वाला गाड़ी से नहीं दे रहा है, वो बोला कि उसमें खोलने में ज़्यादा परेशानी है, उसमें खोल सकते हैं हम लोग, तो ये वाली गाड़ी से खोल के दे रहा है। तो और बहुत दूर में हाईवे है तो हम लोग इधर से आए हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, पहले यहाँ का जो काम है पहले वो कर लेते हैं, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स ये वो पार्ट्स है जो हम लोग लेने के लिए आए थे और जिसके चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान थे हम लोग। और तो ये डीजल फिल्टर है हमारा गाड़ी का, तो इसमें तेल रहता है, तो अब देख सकते हैं इसमें से तेल गिर रहा है। तो ये डीजल फिल्टर है, इसी में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, जो सामान लेने के लिए आए थे वो हम लोग ले चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया हम लोग को और बहुत टाइम लग गया लेने में, और सामने ट्रैक्टर जा रहा है हल्ला करते हुए। तो फ्रेंड्स हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से और हाईवे पकड़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं हाईवे, अब हाईवे से निकलते हैं और सीधा घर पे पहुँचते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मौसम बहुत मस्त हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अपना काम भी हो गया तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या है कि मेरे को नहीं लग रहा था जैसा पोजीशन हो गया था वहाँ के कि अब काम होगा, मिस्त्री भी हाथ खड़ा कर दिया अपना के, बोला कि भैया नहीं निकलने वाला है आज मेरे से डीजल फिल्टर, बहुत ज़्यादा अंदर में है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को निकालने भी नहीं आ रहा अच्छे से। तो फाइनली हम लोग का डीजल फिल्टर निकल गया, वो भी दूसरे कार से निकला, कोई और सेवरलेट का गाड़ी था, उसने बोला कि यह डीजल फिल्टर लगा हुआ है तो उसमें से वो निकाल के दिया। तो फाइनली हम लोग को मिल गया और घर जाएंगे अब, और कल हो सकता है कल क्या या आज रात में शिवम भाई की गाड़ी में डीजल फिल्टर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने तो हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट में मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप कैमरे में देख सकते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे मौसम और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। और अभी हमारा गाड़ी चल रहा है 100 पे जा रहा है, ये 100 पे जा रहा है, ये 100 पे आएगी हम लोग का गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो फ्रेंड्स इधर पूरा रोड गीला है, मतलब कि इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और अभी तक तो हम लोग का बारिश से सामना नहीं हुआ है, तो लगता है कि आगे बारिश होने वाला है, तो वह ठंडा ठंडा चल रहा है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है इधर, तो मज़ा आ रहा है, हाथ वाथ एकदम ठंडा हो गया हम लोग का। और आप देख सकते हैं कि रोड एकदम गीला है, तो गाड़ी भी केयरफुली हम लोग को चलाना पड़ेगा और क्योंकि रोड एकदम गीला है, ब्रेक व्रेक मारने में प्रॉब्लम हो सकता है, बस बारिश ना हो, नहीं तो हमको अपना कैमरा खोल के रखना पड़ जाएगा, क्योंकि बारिश में इसको लेके नहीं चलने वाला हूँ क्योंकि इसका डोर खुला हुआ है,
तो देखिए यहाँ से फिर से रोड सूखा हुआ है, मतलब इधर बारिश नहीं हुआ है। हाँ, मेरे को अपना R15 का याद आ रहा है, और अभी मेरा R15 होता है मैं 140 प्लस कर देता स्पीड को या 150 क्रॉस कर देता, क्योंकि मेरी R15 155 तक के चल जाती है, तो अभी टॉप स्पीड भगाने का मज़ा ही कुछ और होता। तो फ्रेंड्स बारिश स्टार्ट हो गई, मैं अपने कैमरे को रख लेता हूँ अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने थोड़ा देर होल्ड किया वहाँ पे, हमने सिंघाड़ा खाया, थोड़ा चाय पिया, तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे, थोड़ा सा बैठे पबजी भी खेले हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर बैठ के, तब तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो अभी आप मौसम देख सकते हैं कि मौसम कितना ही मस्त हो गया है, गजब हो गया है। और अभी क्या हुआ ना हमारे साथ, मैंने गलती से पानी में गाड़ी घुसा दी, और इतना ज़्यादा पानी पड़ा कि मेरा पूरा कैमरा, मेरा हेलमेट ऊपर तक पानी फेंक रहा था, तो मेरा सामने का पूरा चेस्ट वेस्ट भींग गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत चोट लग रहा है हम लोग को, गाड़ी रोकते हैं कहीं साइड में और कैमरे को रखते हैं अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स कल हम लोग गए थे पानागढ़, और आपने वीडियो देखा ही होगा कितना मस्त लगा हम लोग को, और आते वक्त पूरा ये हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत देर इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद हम लोग से इंतज़ार नहीं हुआ, तो हम लोग लास्ट में भीग करके आए हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग भीग गए थे। तो कल रात को मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो फाइनली अभी हम लोग का गाड़ी बन चुका है, इसमें डीजल फिल्टर जो हम लोग कल लाने गए थे वो डीजल फिल्टर इसमें लग गया है, और गाड़ी अभी बहुत मस्त चल रहा है। तो इसका डीजल जो लीक करता था वो लीक नहीं कर रहा है अभी, तो अब हम लोग यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे, और मैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करने आया था गाड़ी कैसा चल रहा है, तो यहाँ से गाड़ी हम लोग घुमा लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। गाड़ी जाके शिवम भाई को दे देते हैं, जो गाड़ी में जो काम करवाना था हम लोग करवा दिए हैं, तो गाड़ी थोड़ा बहुत चला भी लिया हूँ, गाड़ी साथ फ़ोटो भी क्लिक करवा लिया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा गाड़ी चला करके। तो फ्रेंड कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।